नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज पर आवर शेड्यूल इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी बेस्ड पूछे गए मेंस के क्वेश्चंस को या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके जो आंसर होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा जाता है उस आंसर का इवेल्युएशन करते हैं। तो देखते हैं आज के इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग किस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देख पाएंगे आज कल चर्चा में रहने वाले एलनीनो की घटना। ओके, एलनीनो से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? एलनीनो से क्वेश्चन है। क्या है तथा इसका प्रभाव क्या हो सकता है? समझिएगा चीजों को। ये जो एलनीनो है और जेट स्ट्रीम है, स्टर्ली जेट स्ट्रीम बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध हमारे मानसून से होता है। और मेंस में अगर ज्योग्राफी के सेक्शन में जाएंगे तो मेंस में तीन चार सेक्शन बहुत तीन चार टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जहां से रेगुलर क्वेश्चन आता है। एक है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो भूआकृतिक डिवीजन है उससे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। उसके अप्लाइड क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे हिमालय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, हिमालय की उत्पत्ति या शिवालिक माउंटेन फुट रीजन ही जो है वह सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, क्यों एक्सप्लेन करें, ऐसे क्वेश्चन। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, देखेंगे रेगुलर ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, टॉपिक रहा है, वह है मानसून, जहां से रेगुलर क्वेश्चन आते ही हैं। तो बीबीआई टॉपिक है हमारा इंडियन मॉनसून, और इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एलनीनो, दूसरा है जेट स्ट्रीम। तो इसलिए एलनीनो और जेट स्ट्रीम से हमेशा फुल लेंथ और शॉर्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल एलनीनो से पूछा जा सकता है या जेट स्ट्रीम से पूछा। स्टर्ली जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम की बात करें तो पूर्वा जेट जो होता है उसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है, तो उससे क्वेश्चन रेगुलर आते हैं। तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन अभी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म है क्योंकि केवल एलनीनो को कनेक्ट करने, एलनीनो को कनेक्ट किया गया है और न्यूज में रहा है, चूंकि यह एलनीनो हाल में भी देखेंगे न्यूज में रहा है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर ईयर 70 बीपीएससी का मेन्स अगर आप देंगे तो उस टाइम तक भी यह जो इस तरह के क्वेश्चन है वह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब आइए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर जो बच्चे ने लिखा है क्या वह सही लिखा है या कुछ उसमें और करेक्शन होने की जरूरत है और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, आजकल चर्चा में रहने वाला एलनीनो की घटना क्या है तथा इसका प्रभाव क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन है हमारा। आजकल चर्चा में रहने वाला एलनीनो की घटना क्या है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। यहां पे भी आप देख रहे होंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग में हमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है इसको समझने की जरूरत है, और इसको समझने के लिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट और क्वेश्चन के किस अलग अलग स्टेटमेंट के अलग अलग डिमांड होते हैं, अलग अलग उसकी मांग होती है, तो हमको उस मांग को समझने की जरूरत होती है ताकि हम जो है मांग के अकॉर्डिंग, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिख पाए। कुछ भी लिखने से हमें मार्क्स नहीं मिलता है, अगर अकॉर्डिंग टू डिमांड लिखा हुआ है तो ही हमें मार्क्स मिलेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू डिमांड अगर हम थोड़ा कम भी लिखे हैं तो भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसको तकनीकी शब्दावली में कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन का संदर्भ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल चर्चा में रहने वाला एलनीनो की घटना। एक है कौन, इंसिडेंट ऑफ एलनीनो क्या है, क्या है सीधे सीधे एक्सप्लेन करना है एलनीनो क्या है तथा इसका प्रभाव क्या हो सकता है, तो क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अंडरस्टूड है एलनीनो जो है, अगर एलनीनो की बात करें हम लोग समझेंगे पढ़ेंगे टॉपिक में देखेंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने मेंस में क्या लिखा है इस बच्चे ने, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं कर, पहले मैं इस पर डिस्कस करना चाह रहा हूं एलनीनो का प्रभाव क्या होता है। एलनीनो जो है वह वर्ल्ड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, विश्व के जलवायु को प्रभावित करता है, वर्ल्ड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, और उसमें सबसे अधिक इन्फ्लुएंस्ड होने वाला जलवायु है वह है इंडियन मानसून। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम लोग इसको देख रहे हैं इंडियन मॉनसून, तो इंपॉर्टेंट प्रभाव क्या हो सकते हैं, वैश्विक जलवायु के प्रभाव को हम लोग एक पैराग्राफ में लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वह इंडियन मॉनसून को कैसे प्रभावित करेगा, यह हमारा क्वेश्चन का डिमांड है। तो क्वेश्चन के डिमांड को समझना है, एलनीनो की घटना क्या है, यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ रहा है एलनीनो मीन्स क्या, व्हाट। दूसरा है एलनीनो का प्रभाव क्या है, तो एलनीनो एक समुद्री जलधारा है जिस जो विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है, वैश्विक जलवायु को प्रभावित करता है, प्रशांत महासागर की जलवायु को, अटलांटिक महासागर की जलवायु को, इंडियन ओशियन के जलवायु को, हिंद महासागर की जलवायु को, और उसमें से एक बिगर प्रभाव है वह क्या, इंडियन मानसून।
तो इंडियन मॉनसून को पड़ने वाले प्रभाव का क्या है, यहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिमांड है। अब आइए देखते हैं इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर आप देखेंगे तो इस बच्चे ने लिखा है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, एक बार मैं पढ़ता हूं फिर देखता हूं क्या है, सही है क्या इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए। आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जून तक अलनीनो को समाप्त होने तथा सितंबर तक लानीनो के प्रभाव में बदलने का अनुमान व्यक्त किया है, जिसमें भारत में सामान्य से अधिक लगभग 106% वर्षा होने की संभावना है। अब देखिए इन्होंने सीधे सीधे यह एक फैक्ट से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल चूंकि करंट से क्वेश्चन पूछा, हाल में अलनीनो चर्चा में रहा है, तो हाल में चर्चा में रहा है तो इसके दो परिपेक्ष हैं, यह चर्चा किसने किया है और क्या चर्चा किया है, डिस्कशन किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई है और क्या डिस्कशन का सब्जेक्ट रहा है, दो पार्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बच्चे ने जो लिखा है, डिस्कशन किसने किया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है, ठीक है, जो अलनीनो समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पर लानीनो आने वाली है, जिसमें भारत सामान्य से अधिक लगभग 106 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना है। फिर एक क्वेश्चन का था, इसका प्रभाव क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसका संबंध भारत में होने वाली वर्षा, मैंने बोला था मॉनसून सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है। तो इस इंट्रोडक्शन में परफेक्ट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चर्चा किया है अलनीनो लानीनो में बदलेगा, जिस कारण से भारत में सामान्य से अधिक लगभग 106% वर्षा होने की संभावना, जो 100% था वह 6% अधिक वर्षा होगी, यह इसका प्रभाव है। तो इंट्रोडक्शन में जनरली इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, जो आप बॉडी लिखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का एक, उस क्वेश्चन के आंसर का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपका इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। और यहां पर यह दिख रहा है, इस बच्चे ने जो लिखा है इसमें यह दिख रहा है, जो इन्होंने एलनीनो के रिपोर्ट को किसने इशू किया है और उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, यह दोनों ही चीजों को इन्होंने लिखा है। लेकिन अगर यहां पे इसके साथ और बेहतर होता, सबसे पहले यह अलनीनो क्या होता है और एक लाइन में अगर यह लिख देते, जो अलनीनो एक वार्म करंट है जो कि प्रशांत महासागर तट में पेरू तट के पास उत्पन्न होती है, जिसका वैश्विक जलवायु पर प्रभाव पड़ता है और उसी में एक प्रभाव या सर्वाधिक प्रभाव उससे प्रभावित होने वाला इंडियन मानसून है। इस संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जून तक एलनीनो के समाप्त, उसके बाद अगर यह स्टेटमेंट इशू होता और यह कंप्लीट स्टेटमेंट हम लिखते तो शायद और अधिक इफेक्टिव होता, क्योंकि अलनीनो क्या है, सबसे पहले हमें किसको डिफाइन करना है, व्हाट इज अलनीनो, फिर चर्चा में रहा है, चर्चा करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन सा है उसको डिफाइन करना था, फिर तीसरा पार्ट है चर्चा का आउटकम क्या आया था, आउटकम का संबंध उसके प्रभाव से है, तीसरा पॉइंट था। तो अगर इस तरह से चीजें कनेक्ट होती तो शायद यह इंट्रोडक्शन और बेहतर होता, लेकिन उसके बावजूद भी यह इंट्रोडक्शन अच्छा है। आगे देखते हैं, हमें लगता है आगे इन्होंने अलनीनो को एक्सप्लेन किया है, लेकिन पहले बेहतर होता पहले अलनीनो एक्सप्लेन होता, फिर चर्चा में क्यों रहा, चर्चा करने वाली संस्था कौन सी थी और क्या उसका प्रभाव पड़ा था, यह चार डायमेंशन स्टार्टिंग में होता तो शायद और मच बेटर होता। यह चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलनीनो को फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया। अलनीनो का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा या क्राइस्ट होता है। यह एक जलवायु संबंधी घटना है जो पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल को असामान्य रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा अस्थायी प्रतिस्थापन होता है। यह 2 से 7 वर्षों के अंतराल पर होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा या क्राइस्ट होता है। अगर यह नहीं भी लिखे तो चलेगा, हमारा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं इसको यहां सीधे सीधे, क्योंकि हमें शॉर्ट नोट्स में लिखना बहुत है, इसके प्रभाव को हम अधिक लिखेंगे ना कि फैक्चुअल चीजों को लिखेंगे। अलनीनो क्या है, अलनीनो एक गर्म जलधारा है, उस पर लिखा यह एक जलवायु संबंधी घटना है। एग्जैक्टली पूर्वी प्रशांत महासागर सतह के जल के असमान रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व करता है। एग्जैक्टली पूर्वी प्रशांत महासागर का एक जल जो है वह असमान रूप से गर्म होते हैं। इसमें पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा जो है अस्थायी प्रतिस्थापन होता है, 2 से 7 वर्षों के अंतराल पे होता है। और फिर यहीं पे एक लाइन अगर लिख देते हैं, जो अलनीनो की घटना प्रत्यक्ष रूप से भारतीय मानसून से जुड़ी होती है और जिस जिस वर्ष अलनीनो प्रभाव होता है
उस वर्ष भारत में औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है, अब कम होती है, मींस मानसून क्या होता है, कमजोर होता है। एक लाइन अगर यहां पे यह कनेक्ट कर देते तो यह कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन पूछा है उसके दोनों पार्ट के इंट्रोडक्शन और दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में चलता। अगर इस एक लाइन की जगह यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा या क्राइस्ट एल नीनो, यह सब आपको फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, इस फैक्ट्स को नहीं भी लिखेंगे तो हमारे आंसर बेहतर हो सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं इन्होंने आगे क्या किया है। इन्होंने अलनीनो का फिगर बनाया एग्जैक्टली। इस फिगर में एक कमी यह दिख रहा है, इस फिगर में दक्षिण अमेरिका को दिखाया है इन्होंने, और इस फिगर को कंप्लीट फिगर इंडिया के मैप के साथ अगर इधर इंडिया भी बना दिए होते, ये इंडिया भी बना दिए होते और दक्षिण पूर्व एशिया का बना दिया होता इन्होंने, और फिर यह वाकर सेल के साथ वाकर चक्र के साथ एक्सप्लेन किया होता तो शायद यह अधिक इफेक्टिव होता। इस फिगर से जो है चीजें बहुत क्लियर नहीं हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, इस फिगर से चीजें बहुत क्लियर नहीं हो रही है। यहाँ पे वाकर सेल को इंडियन मानसून के, चूंकि भारतीय मानसून की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया की केवल बात की गई है, और भारतीय मानसून से संबंधित करके अगर हम लोग प्रेजेंट करते तो शायद और यह बेहतर होता। तो इस फिगर को करेक्शन करना है, यह फिगर जो है इस फिगर में सुधार की जरूरत है। पहले भी एक वीडियो इससे संबंधित आ चुका है डायपोल में, उसमें हमने वाकर चक्र के फिगर को समझाया है, आप वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आया क्या लिखा है इन्होंने, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में सतह का पानी असमान रूप से गर्म एवं पूर्वी हवाओं का समान रूप से कमजोर चलना, मींस अलनीनो की उत्पत्ति कैसे होती है यह लिखा इन्होंने। हिंद महासागर में कम दबाव एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर का उच्च दबाव, दिसंबर में मार्च अप्रैल तक गर्म पानी के जमाव कारण गर्म जलधाराओं का बनना, फिर ये अलनीनो के बारे में लिखा, अलनीनो की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पे जो है यह चीजें क्लियर नहीं हो रही है, यहां से अलनीनो की उत्पत्ति कैसे हो रही है और यह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित कर रहा है, यहां पे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। जो अलनीनो वाकर सेल एक नॉर्मल साइकिल होता है, पॉजिटिव फेज होता है मानसून का, जो अलनीनो ईयर नहीं होता है उस फिगर से इसको ये करना था, और दूसरा निगेटिव फेज होता है जब अलनीनो ईयर होता है, निगेटिव इंडियन डायपोल का था। दो फिगर के माध्यम से इसको समझाने की जरूरत थी, जो अलनीनो ईयर में किस तरह से वाकर चक्र जो है होता है वह उल्टा हो जाता है, और जो भारतीय मानसून समुद्र से स्थल की ओर हवा चलनी चाहिए थी, ओशियन टू लैंड होता, वह रिवर्सल एयर सर्कुलेशन होता है जिस कारण से भारतीय मानसून क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको सुधारने की जरूरत है। मींस अलनीनो वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्टिंग में इनका इंट्रोडक्शन अच्छा है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने क्या करेक्शन हो सकता था उसको डिस्कस किया है, और उसके बाद जो है अलनीनो के मैकेनिज्म को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको वाकर चक्र जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है उस वाकर चक्र के माध्यम से, और उसके दो एस्पेक्ट, पॉजिटिव नॉर्मल फेज में क्या होता है और अलनीनो सिचुएशन में क्या होता है, कैसे इंपैक्ट, और कंप्लीट फिगर इंडियन मॉनसून के फिगर के साथ उसको करने की जरूरत थी। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं अलनीनो का प्रभाव क्या पड़ता है। ऑब्वियसली बात है यह भी हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट था, अलनीनो का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव क्या है, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, प्रभावित क्षेत्र की व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती है, भारत एवं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति होती है, कृषि गर्म जलधारा के जाने से जलीय जीव के साथ मत्स्य पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यह लिखा, इन क्षेत्रों में अलनीनो के कारण आर्द्र बाढ़, हैजा, बुखार और मलेरिया में वृद्धि होती है। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस दोनों ही ड्राई रिजॉर्ट एक कम फसल उत्पादन क्षेत्र होते हैं। सकारात्मक प्रभाव, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में वर्षा में भारी वृद्धि होती है, अटलांटिक महासागर में तूफान की घटना में काफी वृद्धि होती है। भारत पर प्रभाव, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को और करेक्ट करने की जरूरत थी। यहाँ पे पहले अलनीनो के कारण वैश्विक प्रभाव, जो ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ता है, वैश्विक प्रभाव में एक ओशियन पे क्या प्रभाव पड़ता है, समुद्र पे पड़ने वाले प्रभाव, और दूसरा स्थल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से कैटेगराइज करना था। समुद्र पे पड़ने वाले प्रभाव जो पेरू तट के पास पड़ता है तो पेरू तट के ओशियन एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अलनीनो के कारण जब अलनीनो ईयर आता है तो देखेंगे बड़े पैमाने पे वहां पे रिपोर्ट है जो मछलियां मरने लगती हैं। क्यों मरती है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और पेरू तट के स्थलीय भाग पे क्या प्रभाव पड़ता है यह भी एक्सप्लेन करना है। अलनीनो ईयर होता है तो ऑब्वियसली बात है वार्म करंट है, तो हवा गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी और वर्षा लगेगी। इक्वाडोर वगैरह में बाढ़ आता है और वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो चिली का उत्तरी भाग है, इक्वाडोर है, वह जनरली ड्राई रीजन है, ड्राउट एरिया है, तो उस एरिया में वर्षा होती है तो वहां से क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बूस्ट होता है। यह स्थलीय प्रभाव और
समुद्री प्रभाव है कहां पे, या प्रशांत महासागर क्षेत्र में, फिर ग्लोबली प्रभाव में, और फिर समुद्री प्रभाव और स्थलीय प्रभाव के रूप में देखेंगे हिंद महासागर पे क्या प्रभाव पड़ता है, फिर आप देखेंगे यहीं पे जो है स्थलीय प्रभाव में ऑस्ट्रेलिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी में फिर इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से चीजें कनेक्ट होती तो शायद और बेहतर होता और इफेक्टिव हमारा आंसर राइटिंग होता, तो और आसानी से सामने वाले को समझ में भी आता। तो इस क्वेश्चन को में क्या क्या करेक्शन करने की जरूरत है, भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को इन्होंने लिखा है लेकिन उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, भारत में मानसून की स्थिति को कमजोर करती है, कम वर्षा सूखे की स्थिति, भारत की कृषि मानसून, ठीक है यह सही है, लेकिन इसको कनेक्ट करना था वैश्विक प्रभाव, स्थलीय प्रभाव, जलीय प्रभाव, जलीय क्षेत्र में अलग अलग महासागर पर पड़ने वाले प्रभाव, स्थलीय क्षेत्र में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे पड़ने वाले प्रभाव, ऑस्ट्रेलिया पे पड़ने वाले प्रभाव, और फिर भारत पर, एशिया पर पड़ने वाले प्रभाव, और उसमें भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, और देन फिर यह एक्सप्लेनेशन होता तो शायद मच बेटर होता, ठीक है। तो ये जो अब देखते हैं कंक्लूजन में इन्होंने क्या लिखा है, निष्कर्ष था, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। निष्कर्ष था अलनीनो एक प्राकृतिक घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन शैली को भी प्रभावित करती है, इसे निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ वैश्विक समन्वय के साथ आपसी प्रयासों से कम प्रभावित हो सकते, परफेक्ट मीन्स बहुत ही सकारात्मक रूप से इन्होंने कंक्लूड किया है क्वेश्चन को, क्या किया है कंक्लूड, जो प्रभावित करता है सरकारी प्रयासों के साथ साथ, क्या है सरकारी प्रयासों के साथ वैश्विक समन्वय, दो वर्ड यूज किया है, जो ऑब्वियसली बात है वैश्विक वैश्विक स्तर पे इसका प्रभाव होता है, और इसका संबंध भारत से नहीं, इसका संबंध प्रशांत महासागर से है जो वैश्विक क्षेत्र है, तो वैश्विक कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो वैश्विक समन्वय की बात की जिसमें दिख रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव समस्या है लेकिन समाधान भी वैश्विक स्तर पे इसके निकाले जा सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वह इनका बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। सुधार की जरूरत कहां कहां है, सुधार की जरूरत जो प्रभाव है, प्रभाव को इन्होंने लिखा है अलग डायमेंशन से, इस डायमेंशन से भी लिखा जाता लेकिन प्रभाव को और अच्छे से लिखा जाता था, समुद्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, ओशियन पे और लैंड पे क्या प्रभाव पड़ता है, ओशियन में फिर कैटेगराइज करना था अटलांटिक ओशियन में क्या पड़ता है, पैसिफिक ओशियन में क्या पड़ता है, और इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन पे भी पड़ता है और इंडियन ओशियन पे क्या पड़ता है, और फिर लैंड में कॉन्टिनेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, एशिया में क्या प्रभाव पड़ता है, दक्षिण पूर्व एशिया में क्या पड़ता है, और भारत पे क्या पड़ता है, और भारत को डिटेल्स करना था, तो चीजें और इफेक्टिव और कनेक्टिव होती, तो यहाँ पे ये करेक्शन की जरूरत है, अदरवाइज बाकी जो है यह लिखा हुआ है, और इस फिगर में करेक्शन की जरूरत है, इस फिगर को पॉजिटिव इंडियन डायपोल, निगेटिव इंडियन डायपोल जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा उसके अकॉर्डिंग यह फिगर बनना था, बाकी जो है स्टार्टिंग भी ठीक है, इसका स्टार्टिंग थोड़ा और बेहतर हो सकता है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, अदरवाइज ये स्टार्टिंग पे भी काम चलेगा। तो इस तरह से यह मेन आंसर राइटिंग जो है, देखिए कंटेंट है इसमें, किसी भी कंटेंट को हमने गलत नहीं कहा, कोई कुछ भी गलत नहीं है एक्सेप्ट फिगर, इस फिगर को और अच्छे से प्रेजेंट, यह फिगर भी गलत नहीं है लेकिन इस फिगर को और अच्छे से इफेक्टिवली प्रेजेंट किया जाता तो और अच्छा होता, सारी चीजें सही हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं यहां पे ये होना चाहिए यहां पे, तो मेन आंसर राइटिंग में कंटेंट से अधिक जो है अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, किस तरह से आप अरेंज कर रहे हैं कंटेंट का, क्या ऑर्डर है, किस कंटेंट को पहले रखना है, किस कंटेंट को बाद में रखना है, किस इंफॉर्मेशन को हमें पहले रखना है, किस इंफॉर्मेशन को बाद में, कौन सा टेल इंफॉर्मेशन होगा, कौन सा हेडलाइन इंफॉर्मेशन होगा, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एक चीज बार बार मैं कहता हूं, आंसर राइटिंग नॉलेज तो है ही है, नॉलेज से अधिक क्या है, स्किल है। हो सकता है हमारे पास कंटेंट बहुत है लेकिन हम उसको कैसे किस ऑर्डर में रखना है यह हमें नहीं आता है, तो नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात है हम चीजों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जिससे हमारा आंसर अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आंसर राइटिंग इसलिए स्किल है और यह डे टू डे के प्रैक्टिस से ही होता है जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं। तो इस आंसर राइटिंग सेशन से हो, आई होप कि आप लोग को फायदा हो रहा हो और इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए, कुछ और सुधार होनी चाहिए तो आप लोग जरूर कॉमेंट करेंगे, आप लोग का कॉमेंट हम लोग के लिए, हम लोग उसको करेक्शन में जरूर शामिल करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।